हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। ये आपका क्लास 11th का एनाटॉमी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इस एनाटॉमी सीरीज़ का ये ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो कह सकते हैं। इसके बाद मैं एक मिसलेनियस वीडियोस बनाऊंगा, दो चार मिसलेनियस वीडियो बनाऊंगा, कंपेयर करूंगा उसमें, तो उसको भी देख सकते हैं। बट टेक्निकली मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका लास्ट वीडियो हो जाएगा एनाटॉमी सीरीज का। इसके साथ ही हमारा एनाटॉमी पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसमें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है अब्दुल मन्नान, आपका बायोमेंटर, और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस, ठीक है? बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इससे पहले के जो वीडियो हैं, स्पेशली दो चीज, एक तो एनाटॉमी ऑफ रूट और दूसरा अगर दूसरा तुम्हारा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम अगर नहीं देखा है तो पहले इन दोनों वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस वीडियोस को देखना स्टार्ट करिएगा इसमें, ठीक है? तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आई बटन में भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं वहां पे, ठीक है? या तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं इसमें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब जैसा कि हम लोगों ने स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ जब डिस्कस किया था तो वहां पे देखा था कि दो रीजन थे जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होता है, स्टीलर रीजन और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। उसी तरह से रूट के केस में भी क्या है, आपका स्टीलर और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे डाइकोट सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम स्टीलर रीजन और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में देख रखा है। सेम उसी तरह से स्टीलर रीजन में जो एक्टिविटी होता है, मतलब स्टीलर रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम के एक्टिविटी से होता है। दैट मीन्स रूट के केस में स्टीलर रीजन में भी क्या बनेगा, वैस्कुलर कैम्बियम बनेगा। बट इस वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ स्टेम्स और वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ रूट में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग एक बार कंपेयर भी करेंगे, बट पहले देखेंगे बनता कैसे है, ठीक है? दूसरा, उसके बाद एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेम उसी तरह से कॉर्क कैम्बियम्स के थ्रू होता है। और कैम्बियम यहाँ पे कहाँ से ओरिजिन होता है, इसको भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे तुम्हारा स्टेम के साथ, ठीक है ना? अभी तो ये रूट है, हम लोग स्टेम के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे इसमें, ठीक है? तो कंपेरिजन से क्या होता है कि क्वेश्चंस बनाने की प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, दिमाग खुल जाता है, ठीक है? और जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है वो कंपेरेटिवली ही पूछते हैं, तो इसलिए हमारे लिए अच्छा है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ और डाइकोट स्टेम इन आपके स्टीलर रीजन्स में, सबसे पहले देखते हैं, ठीक है? हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकोट रूट इन स्टीलर रीजन्स में। तो स्टीलर रीजन में सेम उसी तरह से सबसे पहले हमें एनाटॉमी देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, बट इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर्स है वो आप एनाटॉमी चैप्टर में जाके देख सकते हैं, एनाटॉमी ऑफ रूट में जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में बनाऊंगा, इसमें पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे, ठीक है? एज यूजुअली नो कि सबसे आउटर जो लेयर होता है वो क्या हो गया तुम्हारा, इसमें ये हो गया तेरा ईपीडर्मिस। उसके बाद नीचे को होता है कॉर्टेक्स के बाद है तुम्हारा ये एंडोडर्मिस, ये हो गया तेरा एंडोडर्मिस। जाइलम और फ्लोएम्स, तो यहां पे जाइलम और फ्लोएम्स जो थे वो अलग अलग बंडल्स के फॉर्म में थे, एक साथ नहीं थे, तो हम लोग उसको बोलते थे रेडियल बोलते थे, अगर एक साथ होंगे तो उसको कंजाइंट्स बोलते थे, ठीक है? तो यहाँ पे ये अलग अलग अरेंज है तुम्हारा इसमें, ठीक है? तो पहले हम लोग जाइलम और फ्लोएम्स को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे हुआ करता था, याद करना क्या था, बोलो जैसे ये है पेरिसाइकल, जस्ट इसके नीचे ये प्रेजेंट है पेरिसाइकल को मैंने ब्लू से बना दिया है, ये है पेरिसाइकल्स। अब आते हम लोग जाइलम फ्लोएम्स पे बनाते हैं इसमें, ठीक है ना? जाइलम फ्लोएम्स, तो ये पहले बनाते हैं प्रोटोजाइलम, फिर उसके बाद ये मेटाजाइलम्स, इस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट था, ठीक है? तो इसको अरेंजमेंट्स को हम लोग बोलते थे, ठीक है? ये हो गया आपका जाइलम, ये है प्राइमरी जाइलम है तुम्हारा इसमें, ठीक है? और ये हो गया आपका, यहाँ पे हम लोग बना दे रहे हैं आपका फ्लोएम्स। तो ये जाइलम और फ्लोएम सब अलग अलग हैं। अच्छा, इन जाइलम फ्लोएम्स के बीच में जो टिश्यूज बचता है उसको हम लोग बोलते थे, याद करो क्या बोलते थे,
कंजक्टिव टिश्यूज कहते थे, क्या बोलते थे, कंजक्टिव टिश्यूज हम लोग कहते थे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्राइमरी जाइलम, सबका नाम लिख देता हूँ मैं, फिर उसके बाद इसमें हम लोग ग्रो करना स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये पोर्शंस हो गया आपका, दैट वन इज द प्राइमरी जाइलम, दैट पार्ट इज द प्राइमरी फ्लोएम्स, और ये बीच में क्या बोला था हम लोगों ने, ये है कंजक्टिव टिश्यू। एनाटोमी में सारा चीज अलग अलग करके बनाया हुआ है, आप उसको जाके आराम से देख सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर दिया था, एक ओवरव्यू आपके पास मिल चुका होगा। ये बीच में कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स से भी कोई लेना देना नहीं, हमें स्टिलर रीजन में आना है, तो दैट मीन्स इस एंडोडर्मिस के अंदर देखना है हम लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना, दो स्ट्रिप्स बनता है तुम्हारा, कितने दो स्ट्रिप्स बनते हैं तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम्स के, फर्स्ट और सेकेंड। तो जो फर्स्ट कैम्बियम्स बनता है वो बनता है बिलो द फ्लोएम, फर्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप्स कहाँ बनेगा, बिलो द फ्लोएम्स। तो ये फ्लोएम है, फ्लोएम्स के नीचे यहाँ पे क्या है, कंजक्टिव टिश्यूज है। तो इस कंजक्टिव टिश्यूज में इस तरह से मॉडिफिकेशंस होता है और ये एक बना देता है स्ट्रिप्स, इस तरह से हर जगह पे बनेंगे यहाँ पे स्ट्रिप्स, ये बन गया स्ट्रिप्स, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप्स। ये क्या है, दैट इज द फर्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप्स, लिखते भी चलते हैं, फर्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप। ठीक है, फर्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप्स जो है कहाँ पे बना है तुम्हारा, ये है बिलो द फ्लोएम, बिलो द फ्लोएम्स क्या होता है तुम्हारा, इसमें कंजक्टिव टिश्यू है, कंजक्टिव टिश्यू, और वी नो दैट कि ये कंजक्टिव टिश्यूज क्या है भाई, ये कंजक्टिव टिश्यूज होता है तुम्हारा इसमें पेरेन्काइमेटस, मतलब प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज होता है, और इसी में यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशंस। क्या है, डी डिफरेंशिएशंस, डी डिफरेंशिएशंस, डी डिफरेंशिएशन अगर अभी तक नहीं आया है तो जाके आपका फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो आपको देखना पड़ेगा, पार्ट वन एंड पार्ट टू देखना पड़ेगा, तब जाके ये डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, बट आप दोनों देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन, जिसके वजह से ये कंजक्टिव टिश्यू का जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज हैं वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी मेरिस्टम्स में, सेकेंडरी मेरिस्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी सेकेंडरी मेरिस्टम्स को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप्स बोलते हैं इसको, इसी को बोला जाता है फर्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप्स कहते हैं। ये बन गया हमारा फर्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप्स बन गया। ठीक है, उसके बाद है दूसरा सेकेंड कैम्बियम स्ट्रिप्स, तो ये बनता है आपका सेकेंड कैम्बियम स्ट्रिप जो है वो अबव द जाइलम्स, तो ये जाइलम हो गया इस जाइलम्स के ऊपर वाला पार्ट जो है। ठीक है, ये जाइलम हो गया, इस जाइलम्स के ऊपर जाना हमें। ठीक है, तो अबव द जाइलम, तो अबव द जाइलम यहाँ पे पेरिसाइकल्स है, तो पेरिसाइकल्स के सेल्स में डी डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन पेरिसाइकल्स के सेल्स में डी डिफरेंशिएशन हो रहा है, कहाँ पे, ये अबव द जाइलम्स, अबव द जाइलम, क्लियर है, दिख रहा है इस तरह से। तो ये सेकेंड कैम्बियम स्ट्रिप्स का तैयारी हो रहा है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथ में। ठीक है, ये बता रहा हूं सेकेंड कैम्बियम स्ट्रिप, कहां पे देख रहे थे सेकेंड कैम्बियम स्ट्रिप्स, तो ये अबव द जाइलम, अबव द जाइलम, अबव द जाइलम, ये सारे के सारे जाइलम प्राइमरी जाइलम है, तो जाइलम यहां पे कौन सा है, यहां पे प्रेजेंट है पेरी साइकल, पेरिसाइकल ये भी क्या है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज होता है, और यहाँ पे भी एक वही प्रोसेस होगा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग डी डिफरेंशिएशन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस कहा जाता है, यहाँ पे भी हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन, और इस डी डिफरेंशिएशन की वजह से यहाँ पे बनता है सेम उसी तरह से सेकेंडरी मेरिस्टम, और दैट सेकेंडरी मेरिस्टम इज नोन एज सेकेंड कैम्बियम स्ट्रिप, कैम्बियम स्ट्रिप, फर्स्ट एंड सेकेंड कैम्बियम स्ट्रिप्स। अब क्या होगा यहाँ पे, ये दोनों कैम्बियम स्ट्रिप्स क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, पहला और दूसरा ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, और कंबाइंड होकर इस तरह से सबसे पहली बार बना देते हैं तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम्स का फॉर्मेशन करेंगे, ये बन गया वैस्कुलर
कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम। देखो यहाँ पे ये जो वैस्कुलर कैम्बियम जब कंबाइन करेगा तो बना देता है वेव ही टाइप का वैस्कुलर कैम्बियम्स का फॉर्मेशन करेगा। देखो बच्चों ये डायग्राम नंबर 1 है, ठीक है, आप पहले इसको बना लो, फिर उसके बाद ये लिख लेना, ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो मैं तो इसी में चेंज कर दूंगा बट आपको दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो देख लो अच्छे से, ये फर्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप्स और ये सेकेंड डायग्राम में जरूर लिख लेना, ये क्या हो गया, ये सेकेंड कैम्बियम स्ट्रिप है और दैट वन इज द ये फर्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप है, फर्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप्स पूछता है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इसको आराम से ध्यान में रखना, दैट इज सेकेंड और ये फर्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप्स। अब ये दोनों के दोनों क्या करने वाले हैं, सारे के सारे कंबाइन कर जाएंगे, तो इस तरह से हम इनको कंबाइन कर देते हैं, इस तरह से हम लोग कंबाइंस कर देते हैं, ये हो गया कंबाइन, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्लियर है। तो कुछ इस तरह से एक वेवी इस तरह से रिंग आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वेवी दिख रहा होगा तुम्हारा इसमें, ठीक है, ये बन गया आपका, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, यही है तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम, ये रेड कलर से जो बना है यही क्या है तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम। तो फर्स्ट और सेकेंड कैम्बियम स्ट्रिप्स क्या हो गया, कंबाइन हो गया। तो ये पहले क्या रहता है, फर्स्ट कैसा रहता है, ये रहता है वेवी, बट लेटर ऑन दैट विल बी कन्वर्टेड इन टू द, लेटर ऑन कैसा हो जाएगा, बाद में दैट विल बी कन्वर्टेड इन टू द, सेकेंडली कैसा हो जाएगा, दैट विल बी सर्कुलर, क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा तुम्हारा इसमें। तो सबसे पहले तो ये वेवी रहता है, बाद में सर्कुलर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से समझ लेना इसमें, फर्स्ट कैम्बियम स्ट्रिप, सेकेंड कैम्बियम स्ट्रिप। पहला क्वेश्चन इसमें था जैसे कि सेकेंड कैम्बियम स्ट्रिप कहाँ बनता है, अबव द जाइलम, फर्स्ट कहाँ बनता है, बिलो द फ्लोएम। दूसरा इसमें कौन से टिश्यू इन्वॉल्व है, कंजक्टिव टिश्यू जो कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज हैं, और इसमें कौन सा पेरिसाइकल जो कि ये भी प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज ग्रांड टिश्यूज का पार्ट होता है, इससे डिफरेंशिएट होकर सेकेंडरी मेरिस्टम्स बना। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये दोनों वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो कंप्लीटली क्या है, सेकेंडरी टिश्यूज हैं, क्या है ये, सेकेंडरी टिश्यू। तो कम्प्लीटली ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये क्या है, सेकेंडरी टिश्यू है, वैसे इसमें कोई नहीं था, जैसे कि स्टेम के केस में पार्शली प्राइमरी और पार्शली सेकेंडरी हुआ करता था, बट यहाँ पे क्या है, ये कम्प्लीटली सेकेंडरी टिश्यूज है, इसमें कोई वो नहीं है तुम्हारा, ठीक है। एनीवे तो ये था हमारा एनवलिक्स। अब क्या होगा इसमें, अब जैसे कि लाइक स्टेम्स के तरफ इसका एक्टिविटी होगा, ठीक है, और ये भी डिवाइड करेगा, तो इसका एक्टिविटी भी देख लेते हैं। तो एक्टिविटी सिमिलर है किसके तरह, तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट स्टेम्स की तरह एकदम बिल्कुल है तुम्हारा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्टिविटी ऑफ, एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम्स, तो सिमिलर है किसके तरह, लिख देते हैं इसमें, सिमिलर टू डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम्स के जैसा है तुम्हारा। दैट मीन्स यहाँ पे जो वैस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है, आउटर क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, और इनर क्या बनाएगा तुम्हारा, ये सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशंस करता चला जाता है। और सेम उसी तरह से जो एक्टिविटी होता है इसका क्या होता है, मोर होता है, तो दैट मीन्स सेकेंडरी जाइलम क्या बनेगा, ज़्यादा बनता है तुम्हारा देन द सेकेंडरी फ्लोएम्स के कंपेयर्स में, ठीक है, तो ये ज़्यादा बनता है तुम्हारा। तो सेम उसी तरह से एक्टिविटीज़ होता है। अब जब ये डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो फिर ये धीरे 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 सर्कुलर हो जाता है, जैसा कि आप एनसीईआरटी डायग्राम में देखोगे तो वहाँ दिख जाएगा। जैसे देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी डायग्राम का भी देख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हम लोग इसमें कंपेयर करते हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ रूट और वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ स्टेम, इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हम लोग वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट स्टेम्स। तो फर्स्ट पॉइंट देख इनिशियली मैंने बोला कि डाइकोट में जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है इनिशियली कैसा था तुम्हारा, इनिशियली ये था वेवी, लेटर ऑन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द, कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है, कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। बट ये क्या था तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम और डाइकोट स्टेम्स क्या था, ये ऑलवेज
कैसा होता है? ऑलवेज सर्कुलर होता है, ऑलवेज सर्कुलर होता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा हम देखते हैं ओरिजिन। तो स्टेम के केस में, यहाँ पे पहले स्टेम्स का ही देख लेते हैं। स्टेम के केस में क्या था, ये पार्शियली कैसा था तुम्हारा, प्राइमरी टिश्यू और पार्शियली सेकेंडरी टिश्यू, मतलब ये प्राइमरी मेरिस्टम प्लस सेकेंडरी मेरिस्टम्स का बना होता है। बट ये क्या रहता है तुम्हारा इसमें, ये ओरिजिन में ऑलवेज क्या होता है, मैंने पूरा 100% कम्प्लीटली कैसा होता है तुम्हारा, कम्प्लीटली सेकेंडरी टिश्यू का बना होता है। सेकेंडरी टिश्यू मतलब सेकेंडरी मेरिस्टम्स का बना होता है तुम्हारा इसमें, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हारा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें देखते हैं एनुअल रिंग के बारे में। तो डाइकोट रूट में या डाइकोट स्टेम्स में एनुअल रिंग्स, देखो भाई सेकेंडरी ग्रोथ दोनों में हो रहा है, लेकिन एनुअल रिंग जो होता है वो मिलता है डाइकोट स्टेम में, डाइकोट रूट में नहीं प्रेजेंट होता है। कि जैसा मैंने अलग सा हिंट दिया था एनुअल रिंग बनाते पढ़ाते समय, तो अगर आपको एनुअल रिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आप एनुअल रिंग वाला वीडियो मेरा पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे आइएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा इसमें। तो इनिशियली ये कैसा था तुम्हारा, वे भी सर्कुलर है, तो छोड़ो हम लोग आ जाते सीधे तुम्हारा एनुअल रिंग के बारे में। तो डाइकोट रूट में एनुअल रिंग क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है एनुअल रिंग, यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। अब एब्सेंट है तो क्यों है भाई, एब्सेंट है तो क्यों है, सीधा सा रीजन है कि अंडरग्राउंड रीजन्स में वहाँ पे जो सीजनल, अंडरग्राउंड मतलब अंडर द सॉइल्स जो सीजनल वेरिएशन होता है वो एब्सेंट होता है। अंडर सॉइल देयर इज नो सीजनल वेरिएशन, ऑलवेज उसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंट रीजन रहता है। इस वजह से क्या होता है इसमें, एनुअल रिंग होता है। अंडरग्राउंड नो सीजनल वेरिएशन, अंडर सॉइल, अंडर द सॉइल नो सीजनल वेरिएशंस। बट हम लोग देख सकते हैं यहां पे एनुअल रिंग क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बट वो भी किस में होगा तुम्हारा, ध्यान में रखना है, टेम्परेट रीजन में ओनली, समझ गए, ट्रॉपिक रीजन में नहीं होता है। अच्छा, रूट चाहे ट्रॉपिक में हो या टेम्परेट रीजन में, उसमें एनुअल रिंग नहीं बनता है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड जो होता है सॉइल के अंदर, हमेशा सेम टाइप का सीजन रहता है, वहां पे कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम के एक्टिविटीज भी क्या रहेगा, तो अंडरग्राउंड द सॉइल क्या होगा, सीजनल वेरिएशंस नहीं होता है, इस वजह से क्या होगा यहाँ पे, एनुअल रिंग एब्सेंट होता है। बट स्टेम्स के केस में क्या होगा तुम्हारा, डाइकोट स्टेम्स के केस में कैम्बियम की एक्टिविटी जो होता है वो सीजनल वेरिएशंस के वजह से फ्लक्चुएट करता है। तो एक ही साल में दो अलग अलग तरह के सीजन मिलते हैं, एक फेवरेबल और अनफेवरेबल, जिसके वजह से क्या होता है वहाँ पे डिफरेंशियल ग्रोथ होता है, और उस डिफरेंशियल ग्रोथ के वजह से क्या होता है आपका, एनुअल रिंग मिलता है। तो यहाँ पे एनुअल रिंग प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा डिफरेंस किसके बीच में, वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट स्टेम्स के बारे में। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ किस में, सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रास्टेलर रीजन्स में, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट इन एक्स्ट्रास्टेलर रीजन्स में। तो एक्स्ट्रास्टेलर रीजन्स में सेम उसी तरह से किसकी एक्टिविटी की वजह से होता है, कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटीज होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं किसके वजह, एक्टिविटीज के बेसिस पे होता है, तो ये होता है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम्स। तो अब ये कॉर्क कैम्बियम बनता कैसे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बस, बाकी सब कुछ एज इट इज कैसा होता है, डाइकोट स्टेम्स की तरह होता है। तो डाइकोट स्टेम में जैसे एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होता था, सेम उसी तरह से
इसमें भी क्या होता है आपका, होता है तुम्हारा इसमें। अब आते हैं कि ये जो कॉर्क कैम्बियम है वो बन कहाँ रहा है, तो यहाँ पे सेकेंडरी इस कॉर्क कैम्बियम का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है पेरिसाइकल से। तो पेरिसाइकल्स देखा था हम लोगों ने, एंडोडर्मल रीजन्स में होता है, एंडोडर्मिस के नीचे होता है, बट ये डिफरेंशिएट करके बनाता है कॉर्क कैम्बियम। तो यहाँ पे हो गया पेरिसाइकल, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज हैं। इस पेरिसाइकल्स में आपका हो जाएगा यहाँ पे डी डिफरेंशिएशंस, ये कर देते हैं डी डिफरेंशिएशंस। तो इसके डी डिफरेंशिएशंस की वजह से क्या होगा तुम्हारा, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया आपका यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टम्स, और यही सेकेंडरी मेरिस्टम्स क्या कहलाता है, दैट्स नोन एज आपका कॉर्क कैम्बियम। क्या कहलाता है, कॉर्क कैम्बियम। अब ये कॉर्क कैम्बियम डिवाइड करेगा और आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क सेल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये तो बन गया भाई कॉर्क कैम्बियम बन गया एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन्स में। बाकी सब कुछ एक्टिविटीज क्या होता है, सेम होता है। तो आप नोट डाउन कर लो कि एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम्स इन डाइकोट रूट इज सिमिलर टू द मोनोकोट स्टेम, सॉरी डाइकोट इज सिमिलर टू द डाइकोट स्टेम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ का इसका एक्टिविटी कैसा है, एक्टिविटी सिमिलर टू द डाइकोट स्टेम्स। तो ये कॉर्क कैम्बियम किसका है, रूट का है, ये किसका है आपका रूट का है, डाइकोट रूट का। तो इसका एक्टिविटी डाइकोट स्टेम्स के जैसा है, दैट मीन्स इसमें भी क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सब कुछ वही होने वाला है। जैसे यहाँ पे क्या बनेगा, दैट विल फॉर्म द, ये कॉर्क कैम्बियम क्या करेगा, दैट फॉर्म द पेरिडम्स, पेरिडम्स, पेरिडम्स तीन चीज से मिलकर बना हुआ था, ठीक है ना। आउटर साइड में था आपका कॉर्क सेल्स, ठीक है ना, कॉर्क सेल्स, उसके नीचे था वही कॉर्क कैम्बियम, और उसके नीचे था तुम्हारा इसमें सेकेंडरी कॉर्टेक्स था, ठीक है। इसके अलावा इसमें लेंटिसेल जैसे था, एकदम सेम लेंटिसेल्स प्रेजेंट होता है, और लेंटिसेल जैसे गैसेस एक्सचेंज वगैरह करता था, वो गैसेस एक्सचेंज करता है, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन वगैरह, तो ट्रांसपिरेशन से यहाँ तो नहीं होगा बट गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, सेकेंडरी ग्रोथ को लेके तुम्हारा, स्पेशली कॉर्क सेल्स को लेके, यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये कॉर्क कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होता है ओरिजिन ऑफ, रिस्पॉन्सिबल होता है ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट। तो लेटरल रूट भी क्या करेगा, इसी कॉर्क कैम्बियम सेल से राइज होता है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपका एक्टिविटी ऑफ द कॉर्क सेल्स। देखो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट और उसके स्पेशली कहां पे, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में होता है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द कॉर्क सेल्स। कॉर्क सेल्स जो है ये बनता है पेरिसाइकल से बाय द प्रोसेस ऑफ द डी डिफरेंशिएशन कॉर्क सेल्स। और कॉर्क सेल्स का जो एक्टिविटी है बिल्कुल सिमिलर है किसके जैसा, कॉर्क सेल्स सॉरी कॉर्क कैम्बियम का एक्टिविटी जो है एकदम बिल्कुल सिमिलर है किसके जैसा, कॉर्क कैम्बियम ऑफ द डाइकोट स्टेम्स के जैसा एक्टिविटी इसका एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। तो दैट मींस ये भी क्या बनाता है, पेरिडम्स लेंटिसेल्स इसके पास होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है लेटरल रूट मतलब सेकेंडरी रूट के ओरिजिन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो ये तो रहा बच्चों भैया लास्ट, ये था हम लोगों का सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकोट रूट्स। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे हो जाता है समाप्त, और एनाटॉमी का जो सिलेबस है वो भी हमारा यहीं पे हो जाता है समाप्त, ठीक है। तो आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने मेरे इस एनाटॉमी के पूरे वीडियो लेक्चर्स को अगर देखा है तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ मैंने देखा है, ठीक है। और अगर कोई डाउट रह गया है तो आप भी कमेंट कर, आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब रही बात इस एनाटॉमी से रिलेटेड, तो अभी और एक दो वीडियो मैं इस पर कंपेरेटिव बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। एक तो मेरा एकदम दिमाग में है कि डिफरेंट कोचिंग का जो मटेरियल्स में कंपेयर किया गया है उस चीज़ को मैं आपको शो ऑफ करूँ उसमें, ठीक है, तो उसको मैं करूँगा। और दूसरा एक बार एनसीईआरटी भी एक्सप्लेन करने की इच्छा है मेरी, तो मैं एक बार ऑनलाइन एनसीईआरटी भी एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के लिए इसमें, ठीक है।
तो फिलहाल अभी तक जो भी पढ़ाया मैंने उसमें एनसीईआरटी प्लस जो भी अदर कोचिंग के मटेरियल्स हैं उनको मिला के मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस बना दिया है। इसमें आकाश हो या एलएनओ जो भी है सबका मैंने कवर कर दिया है इसमें, और एनसीईआरटी पूरा 100% कवर हो चुका है। अब इसके बेसिस पे आप जितना क्वेश्चन बनाए एनाटॉमी का बना सकते हैं, पूरा बन जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, तो आपको ये एनाटॉमी सीरीज कैसा लगा है आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा इसमें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट।